हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुल, आप देख रहे हो मेकिंग टेक। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले डुअल टोन फोटो क्लिक करेंगे। हमको यहाँ पे एडिटिंग नहीं करेंगे, मतलब कि जैसे पिक्सआर्ट से हम एडिटिंग कर सकते हैं, अली एडिटिंग भी हो सकती है कि एक कलर इधर लगा दो, एक कलर इधर लगा दो, तो ऐसा नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे, लाइटिंग का यूज़ करेंगे हम, वो भी बजट के अंदर। आपको भी फैंसी लाइट नहीं खरीदनी, कुछ नहीं करना, आपके घर में जो लाइटिंग पड़ी उसी का हम इस्तेमाल करके ऐसी फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं। और ये फ़ोटो इतनी कमाल की लगती है, बहुत अच्छी लगती है देखने में, जैसे कि आपको मैंने थंबनेल पे देख लिया होगा। आपको फ़ोटो क्लिक करना मैं दिखाऊंगा कैसे क्लिक करें और क्या यूज़ करना चाहिए हमको बजट के अंदर ऐसी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, सब वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, लाइक करना होगा, उस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे। चलिए अपनी फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहननी पड़ेगी, जैसे कि मैंने इस टाइम पहन रखी है। ब्लैक कलर की टी शर्ट होगी या कमीज होगी, जो भी आप ब्लैक कलर का होना चाहिए बस, ठीक है। ब्लैक कलर का मैं जो अच्छा फोटो अच्छी लगती है, आप कोई कलर दूसरा पहनोगे तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी आपकी, लेकिन आपकी मर्जी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लैक कलर की टी शर्ट या कोई भी चीज़ कपड़ा पहन लो। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। दूसरा है कि आपको कुछ इस तरह के कलर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि ग्लिटर पेपर है ये, ठीक है, ग्लिटर पेपर है। आपको ये 5 से 10 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा, कहीं पर भी स्टेशनरी शॉप पर आपको आराम से ये पेपर मिल जाएगा। आपको ऐसे कलर दो चाहिए होंगे, एक ही नीला कलर का चाहिए, एक रेड कलर का चाहिए। मेरे पे रेड है और नीला भी है, ठीक है। आपको ये चाहिए होंगे, 5 से 10 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगे। एक रेड कलर का चाहिए, एक ब्लू कलर का चाहिए आपको। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड पॉइंट है, वो है लाइटिंग। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आप रिंग लाइट ले लो, फैंसी लाइटें खरीद लो ऐसी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, ऐसे नहीं बोलूँगा। आपके घर के अंदर ट्यूब लाइट्स तो होगी, बल्ब होंगे, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब आपको करना क्या होगा, ट्यूब लाइट्स के ऊपर और बल्ब्स के ऊपर ना आपको पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। मैं आपको सारा सारा सेटअप करके दिखाऊंगा अभी। आपको करना क्या होगा, जैसे ट्यूब लाइट होगी उसके ऊपर आपको ऐसे फोल्ड करके ना, ट्यूब लाइट के ऊपर आप ऐसे कलर ऐसे करके इसको लगा देना। जैसे कि मैं इधर लगाऊंगा ना, तो इधर से देखो नीला कलर का हल्का हल्का आना स्टार्ट होगा। मैं आपको सब करके दिखाता हूँ अभी, बिल्कुल अपने जो सेटअप है उसको तैयार करते हैं फटाफट से और फोटो करते हैं। दोस्तों, आप तैयार हो बजट वाला सेटअप देखने के लिए? तो ये देखिए, हम सोचते हैं कि हमको बहुत अच्छा फैंसी सेटअप चाहिए होगा ऐसी चीज़ों करने के लिए, क्रिएटिविटी फ़ोटो हमको क्लिक करने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हम बहुत अच्छे बजट के अंदर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक देख सकते हो, ये मेरे पास रेड कलर का पेपर है जो मैंने आपको दिखाया था, 10 से 5 रुपये के अंदर ये मिल जाता है। यहाँ पे देखो आप, ब्लू कलर का है, ठीक है, ये मैंने ट्यूबलाइट के ऊपर लगा रखा है इसको। और यहाँ देख पा रहे हो तो इसको मैंने लगा रखा है बल्ब के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको लगा रखा है, इधर लगा रखा है, और उस लाइट को मैंने उधर लगा रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, ट्राईपॉड मैंने यहाँ लगा रखा था, देख पा रहे हो तो ट्राईपॉड ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कैमरा भी लगा सकते हो और मोबाइल भी लगा सकते हो। मैं इस टाइम कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इस कैमरे की जगह मोबाइल को भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और ये चीज़ है ब्लैक कलर का, ब्लैक डॉप बोलते हैं वैसे तो, पर ये ब्लैक डॉप नहीं है। अगर आप पे ऐसा कुछ, मेरे पे घर पे ऐसा कपड़ा सा पड़ा था तो मैंने इसको लगा लिया, ये मेरा काम कर रहा था अच्छे से तो मैंने इसको लगा लिया, ठीक है। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ आपको मिल जाएगी अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी आप अगर बाय करना चाहते हो तो वहाँ से मिल जाएगी ऑनलाइन, 200 से 300 रुपए के अंदर ही आपको मिल जाएगा। मेरे पास रखा था तो मैंने सोचा इसी का यूज़ कर लेता हूँ, बजट में भी आपको पता चल जाएगा, बजट में भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया आप सबको, ठीक है। अब दोस्तों, ये लाइटिंग का आपको इस तरह का हिसाब रखना पड़ेगा कि एक लाइटिंग इधर से पड़े, एक लाइटिंग उधर से पड़े, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो इसको, ठीक है। आधी लाइट मेरी इधर से पड़ रही है रेड कलर की, ब्लू लाइट वहाँ से पड़ रही है, तो मेरा जो डुअल टोन वाला है वो इफेक्ट मेरी फ़ोटो के अंदर बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं आपको ट्राईपॉड पे लगा के एक बार दिखाता हूँ कि कैसा व्यू देखने में लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप खुद देख पा रहे होंगे, हमारी फ़ोटोज़ के अंदर डुअल टोन वाला इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, वो भी लाइटिंग की मदद से। आपको भी कुछ इस तरह का दिमाग चलाना पड़ेगा इस टाइप की फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वो भी बजट के अंदर। दोस्तों, मैंने आपको बजट के अंदर दिखाया है कि किस टाइप से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो डुअल टोन वाली, बहुत अच्छी लगती है ऐसी फ़ोटो। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ मैंने किस टाइप की फ़ोटो क्लिक करी है, मैं आपको क्लिप लगाता हूँ, मतलब फ़ोटोज़ लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर, आप देखो किस टाइप की फ़ोटो इतनी बढ़िया बढ़िया आई है। और उसमें थोड़ी सी मैंने एडिटिंग करी है तो और भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। अगर आपको कहीं नीचे कमेंट करके बताते हो कि हमको एडिटिंग भी सिखाओ, किस टाइप की अपनी इस फोटो के अंदर एडिटिंग करी वो भी मोबाइल से, तो आपको सिखाऊंगा, तो उसका दूसरा पार्ट आ जाएगा अगर आप कमेंट करते हो नीचे। दोस्तों, आपको फोटोज़ मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट।